हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। सो अगेन बर्लिन की गलियों में आपका स्वागत है। सो मैं घर के नीचे आई हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात किया जाए। जैसा कि मेरा फेस देख करके पता चल रहा होगा, आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट स्टिल जो काम है वो तो करना पड़ता है ना। सो रेस्ट घर पे आप कर सकते हो, लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो तो करनी पड़ती हैं। सो येस, आई एम ऑन द वे टू गीता एंड बेबी अच्छा है, खुश है बेबी। और बेबी अभी चल देखते हैं क्या होता है, थर्ड डे है आज। सो मैं जा रही हूँ उसके प्ले स्कूल, उसके गीता देखती हूँ। देखो विश मी लक, बिकॉज बहुत ज़रूरी है अभी मेरे लिए लक, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है क्या होना है एलर्जी के कारण। उन्हें हर दिन कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट ही चाहिए होता है। सो देखते हैं क्या कर पाते हैं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। और आप लोग बताओ कैसे हो। मेरा व्लॉग अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज इट गिव्स मोटिवेशन। अदरवाइज मुझे लगता है मैं ऐसे ही कर रही हूँ। एंड कुछ स्पेशल देखना है, बर्लिन के बारे में जानना है या कुछ भी वैसा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं ट्राई करूँगी कवर करने का। एंड मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है लिटिल थिंग्स बाय रिचा, वहाँ पे मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालती हूँ, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। अगर पसंद आए तो उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब करना। सो यार, सो रात में मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं डिनर भी प्रिपेयर नहीं कर पाई। फिर हस्बैंड ने कुछ कुछ बनाया, जो भी रेडी टू ईट वाला होता है, खुद भी खाया, मुझे भी खिलाया। एंड कुछ भी कर लो, बेबी का तो काम करना ही होता है। सो यस, बेबी का फूड मैंने प्रिपेयर किया, उन्होंने खिलाया बेबी को। सो शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते हैं। अभी वो ऑफिस गए हुए हैं, मैं बेबी के साथ कीटा देखती हूँ कैसे क्या होता है। अगर तबीयत सही नहीं लगी तो मेडिसिन लूँगी, उससे भी सही नहीं हुआ देन डॉक्टर के पास। बट होपफुली मेडिसिन से सही हो जाना चाहिए, बिकॉज इतना भी कुछ नहीं है, बस पेन हो रहा है, बैक पेन देखती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, कैल्शियम की कमी से भी हो जाता है। यू नो आई एम ए नर्सिंग मॉम, सो मे बी देखते हैं, और देखते हैं क्या होता है, आपको अपडेट करती रहूँगी। सो आज डे है वेंसडे एंड 3rd August है। मैं सोची डेट भी आपको बताते रहूँ, ऐसा नहीं हो कि आपको लगे कि हाँ ये लड़की तो बस ऐवें ही कभी का कभी दिखाती है, तो ऐसा नहीं है। और अब मैं सोची हूँ 2 दिन का वो करके ना, मतलब 2 दिन का शूट करके आपको 1 दिन में दिखाऊँ, बिकॉज डेली डेली है ना सेम चीज़, आप भी बोर हो जाओगे एंड 2 दिन में ज़्यादा कंटेंट होगा। सो उस तरीके से मैं शूट करूँगी एंड देन आपके लिए लेके आऊँगी। बताओ कैसा लगा आइडिया। अब डेली व्लॉग नहीं, 2 दिन में मैं ट्राई करूँगी, या डेली व्लॉग भी आएगा तो एक दूसरे टॉपिक पे होगा, और ये जो मेरी लाइफ से रिलेटेड जो भी हैं सो वो 2 दिन में 1 दिन आएगा। और बाकी सब सही चल रहा है, मैं ऑलमोस्ट पहुँच गई हूँ उसके प्ले स्कूल के पास। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हेलो गाइस, आज है 4th August। सो यस, आज का दिन भी स्पेशल था, बिकॉज फर्स्ट टाइम है ना मेरा बेबी मेरे बिना रहा, वो भी 15 मिनट। एंड मज़े की बात क्या है कि वो रोया नहीं, ये यस। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। आज के दिन क्या हुआ कि मैं कीटा गई, मेरी तबीयत तो वैसे भी अच्छी नहीं थी, उसके साथ थी, बट टीचर ने कहा कि गुड बाय का प्रोसेस होता है, तो गुड बाय अच्छे से करना, उसको पहले बताना है कि आप जा रहे हो, हग करना है, किस करना है, एंड देन बाय बोल के जाना है। बट यू नो अगर आप इतना करोगे तो बेबी को पता चल जाता है कि है ना आप छोड़ के जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो सैड हो जाता है या फिर रोना स्टार्ट कर देता। बट टडा, मेरा बेबी नहीं रोया, थोड़ा सा सैड हुआ बट ही वॉज फाइन। एंड देन हम लोग ठीक है, थोड़ा बहुत सैड था, बट क्या हुआ ना, जब कीटा ख़त्म हो गया, मैं ऐसे कीटा के बाहर ही थी, फिर उसको जब पिक करने गई अंदर तो वो मेरे से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि वो गुस्सा हो गया मेरे से, तो बट दैट्स फाइन, ऑब्वियस है उसका गुस्सा होना भी।
फिर मैं घर आई, बहुत अच्छा मैंने लंच किया। लंच में आज बाजरे ज्वार की रोटी थी, राइस थोड़ा सा एंड चने की दाल तड़के वाली। सो मैंने खाया, बहुत यमी यमी था, पेट मेरा फुल हो चुका है। तबीयत सही नहीं थी कल, ऑलरेडी मैंने बहुत गंदा कुछ खाया, बाहर ही खाया था, गंदा नहीं था बट यू नो हेल्दी भी नहीं था वो। सो मैं बाहर खाई और मुझे अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा था। फिर रात में भी घर में ही खाना बनाया, अच्छा खाना था, वो भी खिचड़ी था। यू नो जब कोई ऑप्शन समझ में नहीं आए एंड घर का कुछ खाने का दिल करे तो खिचड़ी एंड दही बेस्ट होता है, ईजिली बन भी जाता है एंड टेस्टी भी लगता है, मुझे एटलीस्ट टेस्टी लगता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, रेस्ट करना था रात में एंड देन अभी तो वो आया है एंड देन उसको नैप लेना होता है। सो उसका बॉडी वाइप करके, क्लीन करके, चेंज करके उसको मैंने सुला दिया है। बट यू नो आज का टेम्परेचर यहाँ पे इतना ज़्यादा, इतनी गर्मी है बर्लिन में, यू नो इतनी गर्मी है आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत गर्मी है एंड हमारी तो हालत ख़राब हो रही है। सो इसलिए मैं घर पे हूँ, बाहर तो मेरा दिल ही नहीं किया कैमरा निकालूँ, ऊपर से बेबी भी सैड था और मेरी भी तबीयत सही नहीं थी तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो पाई। जल्दी जल्दी भाग के घर आई, देखती हूँ अगर कहीं जाना हुआ कुछ वैसा, शाम में है ना टेम्परेचर डाउन होता है या फिर क्लाउडी होता है तो फिर आपको घुमाऊँगी बर्लिन। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? मैं आई हुई थी अभी बाहर बेबी के लिए, है ना, होम शूज़ लेने के लिए, बिकॉज कीटा में यू नो हर दिन कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट ही रहता है, तो उसके लिए मैं आई हुई थी। सो लेट्स सी कैसा मिलता है। एक्चुअली मुझे पसंद नहीं आया, एक शॉप में मैं देखी तो अभी मैं दूसरे शॉप में जाऊंगी। बट यू नो मैंने बहुत सारा शॉपिंग किया बेबी के लिए, टी शर्ट्स वगैरह बहुत सारे ले लिए हैं ऑलरेडी, तो मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। ये मेरे पीछे घर देख रहे हो, वो वाला जो ग्रीन ग्रीन है, गेस करो कितना पुराना घर होगा। वो 19th सेंचुरी का है, 1915 का बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन है वो। ये वो बाहर से दिख रहा है वैसा जंगल जैसा बट है नहीं वो जंगल, अंदर से वेल मेंटेन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा। सो ये मैंने सोचा मैं यहाँ से गुजर रही हूँ तो आपको दिखा दूँ, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, बस बातें ही करूं और फिर आपको घुमाऊं नहीं बर्लिन की गलियों में, ठीक है। तो यहाँ मैं आई थी, उसके बगल में देखो ये न्यू कंस्ट्रक्शन है बट अंदर से काफ़ी वेल मेंटेन्ड होता है, ऐसा नहीं है कि ना, मतलब 1915 का बना हुआ है तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। उसमें भी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं आज के जैसे ही होती हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम टू टाइम है ना उसको रेनोवेट किया जाता है। सो या और मैं जा रही हूँ घर को अभी। ये सो या मुझे शूज़ नहीं मिल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, और एक जो दिखा भी वो 33 यूरो का था। सो मेरा दिल नहीं किया लेने का, यू नो 33 यूरो का आप घर के लिए ले रहे हो, वो भी कीटा में यूज़ करेगा ना, वो कपड़ा का बना हुआ था, पता नहीं मतलब वो हार्डली 1 मंथ चलेगा, उससे ज़्यादा तो मुझे लगता फटफट जाएगा। सो अभी मेरा गट फीलिंग नहीं आया कि है ना उसको, मतलब मैं परचेज कर लूँ, देखती हूँ और भी जगह ढूँढूँगी, अगर नहीं दिखा कहीं देन हो सकता है मेरे में ये हिम्मत आ जाए कि मैं उसको खरीदूँ, अभी तो नहीं है, लेट्स सी। और सब मैं आ गई स्किल प्लाज के पास, क्योंकि बेबी को तो खेलना होता है ना, उसको कोई मतलब नहीं शूज़ से, स्लीपर से, टी शर्ट से, उसके लिए बस फुटबॉल, फुटबॉल है अभी तो बस सब कुछ है उसके पास। सो या मैं आ गई हूँ नियर बाय, अब मैं जाऊँगी उसके साथ थोड़ा खेलूँगी, अब वो पता नहीं मेरे साथ खेलेगा या किसी और के साथ, लेट्स सी। मैं आसपास ही हूँ, एक्चुअली मैं आज दूसरे स्पिल प्लाजा आई हुई थी बिकॉज क्या बोलते हैं वहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा धूप आता है जो हमारे घर के पास है ना, और आज बहुत गर्मी है एंड आपको मैंने बोला ना मैं शॉपिंग के लिए भी आई हुई थी, तो यहाँ पे जो नियर बाय है ना वहाँ मैं जा रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी इधर ही आएंगे ऑफिस से तो उनसे भी मिलना हो जाएगा। सो या मेरे पीछे ज्वेलरी का शॉप, सब अच्छा चल रहा है, आप अपना बताओ यार कैसे चलेगा काम, ऐसे आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते मेरा चैनल देख के भाग जाते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा है ना।
सो या अब मैं रोड क्रॉस करूँगी, कैमरा लेके तो क्रॉस नहीं करना है। सो या मेरे ब्लॉग देखना आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इट गिव्स मी मोटिवेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।